उन हीरोज हैं। अब आपने देखा होगा कि बंगाल का एक मुस्लिम लड़का जिसको इस बार पद्मश्री दिया, क्या था? तो उसने अपनी माँ मर गई और कारण क्या था, तो मेडिकल ट्रीटमेंट संभव नहीं थी और उस माँ की मृत्यु से उसके मन हिल गया और उसने एक मोटरसाइकिल पे लोगों को, पेशेंट को ही है तो उठा करके डॉक्टर तक ले जाने के लिए अपना काम शुरू किया। खुद भी पेट्रोल खर्चा करता था, काफ़ी कुछ मेहनत करता था और उस पूरे इलाके में एम्बुलेंस अंकल के नाम से वो जाना जाने लगा। अब ये अपने आप सेवा कर रहा था आसाम के, बंगाल के उन इलाकों में, सरकार के ध्यान में आया, ऐसे लोगों को पद्मश्री दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार की कोशिश है कि देश के हर कोने में हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ है देने के लिए, हम इसे जोड़ना चाहते हैं और सरकार को फाइल से बाहर निकाल करके जन जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं। ये टू वे हमारा प्रयास है और उसी के फलस्वरूप एक व्यवस्था हमने बनाई। ये ठीक है, इसमें हर एक को लगता हो कि नहीं नहीं वो आया होता तो अच्छा होता, उसको बुलाया होता तो अच्छा होता, कई सुझाव होंगे, लेकिन ये पहला प्रयास था। पूरी तरह सरकारी प्रकार का प्रयास था और इसलिए इसमें कमियां भी बहुत हो सकती हैं, हमारे सोचने के तरीके में भी कमियां हो सकती हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो प्रयोग है इसको हम इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करें, इसको ईयरली इवेंट कैसे बनाएं और उसको एक प्रकार से गवर्नमेंट के एक्सटेंशन के रूप में, जैसे आप लोगों ने 6 ग्रुप बनाए, 6 ग्रुप में भी एक एक ग्रुप में 5-5 अलग अलग विषयों पर आपने फोकस किया, अलग अलग बातों पर फोकस किया। अब मेरे मन में विचार आ रहा है कि क्या यही ग्रुप उस कंसर्न मिनिस्ट्री के साथ परमानेंट जुड़ सकते हैं। जिन्होंने डिजिटल पर काम किया वही अगर अपना समय ऑफर करते हैं तो मैं सरकार में जो डिजिटल इंडिया का काम देखते हैं उन अफसरों के साथ, उस मंत्री के साथ एक टोली बना दूं, हर महीने वो बैठें, नई नई बातों की चर्चा करें, क्योंकि जैसा यहाँ पर सूची बता रही थी कि लोगों को, भाई मुझे तो मालूम नहीं है, मैं तो नहीं जानता डिजिटल क्या होता है, ये सिर्फ सामान्य मानव का नहीं है, सरकार में भी है जी। सरकार में डिजिटल का मतलब है हार्डवेयर खरीदना, सरकार में डिजिटल का मतलब है कि पहले जैसे फ्लावर पॉट रखते थे अब एक बढ़िया सा लैपटॉप रखना, ताकि कोई भी विजिटर आए तो लगे कि हम मॉडर्न है। तो इस सोच वाली सरकार होती है भी, अब 50-55 के बाद वो भारत सरकार में लोग आते हैं। अब आप 30 के नीचे का दिमाग रखते हो, मैं इन दोनों को मिलाना चाहता हूं। ये इसकी शुरुआत है और मेरे लिए खुशी की बात यह है कि आज सरकार में मेरे साथ जो टीम है, सचिवों की, मंत्रियों की, अगर मान लीजिए 200 लोगों की टीम में मान लूँ, मेरा उनसे लगातार इंटरेक्शन होता है और प्रधानमंत्री के रूप में नहीं होता है जी, मैं कलीग के तरह उनके साथ अपना समय गुजारता हूँ और पिछले 3 साल के अनुभव के बाद मैं कह सकता हूँ कि जैसे वो किसान खेत जोतता है ना,
बारिश आएगी कब आएगी पता नहीं, फसल कौन सी कैसी होगी पता नहीं, फसल होगी तो बाजार में मूल्य मिला, लेकिन फिर भी वो किस खेत जोतता रहता है। मैंने भी मेरे इन 200 लोगों के दिमाग में जोतने का काम बहुत किया है। और मैं अनुभव से कह सकता हूं कि आज वो किसी भी विचार बीज को एक्सेप्ट करने के लिए लालायित है, उत्साहित है और पूरी तरह उसके साथ जुड़ने को तैयार है। ये अपने आप में मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव है। सरकार की मेरी सीनियर टीम हर नई चीज को खोजने के लिए, समझने के लिए, स्वीकारने के लिए ऑब्स्टेकल बनने के बजाय उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है और प्रयास कर रही है। इसी एक कारण से मेरी हिम्मत बढ़ी है आप लोगों को मेरे साथ जोड़ने की। अगर वही ऑब्स्टेकल होता तो मैं नहीं करता, सोचता भी नहीं, क्योंकि आज आप ही लोग यहां से 6 महीने के बाद जाकर के नेगेटिविटी के सबसे बड़े एजेंट बन जाते हैं। अब मैं आप कहते हैं यार छोड़ो यार सब बात तो बहुत करते हैं, सब ऐसे ही है।